नमस्कार दोस्तों, स्किल इकोमार्ट में आपका स्वागत है। आज फिर से एक बार ओडिशा स्टेट में काम करने वाले इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के लिए स्किल इकोमार्ट एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की जानकारी लेकर आया है। ये प्रोजेक्ट पब्लिश किया है ओडिशा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट ने। वो ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो माइनिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये एसटीटी प्रोग्राम है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम रहेगा एम्पैनलमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर इम्पार्टिंग शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन माइनिंग सेक्टर अक्रॉस सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट से जुड़ी बेसिक डिटेल्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल 2024 शाम को 4 बजे तक रहेगी, और इसको जो अप्लाई करने के लिए फीस होगी वो 5000 होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। इस प्रोजेक्ट को आपने ऑफलाइन सबमिट करना है, यानी कि फिजिकली डिपार्टमेंट में जाकर ये प्रोजेक्ट सबमिट होगा। ऑनलाइन मोड में इस प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस प्रोजेक्ट से जुड़ी बेसिक जानकारी हमने जान ली है, यानी कि लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है और किस मोड में सबमिट होगा। उसके बाद जो एप्लीकेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स इस प्रोजेक्ट को लगाना चाहते हैं, उन्होंने क्या पैरामीटर फॉलो करना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा, जो भी एप्लीकेंट, जो भी एंटिटी इस प्रोजेक्ट को लगा रही है, उसकी एंटिटी की जो एग्जिस्टेंस है वो कम से कम 7 साल होनी चाहिए, यानी कि वो 7 साल पुराने होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि जो एंटिटी इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर रही है उसका जो लास्ट 5 ईयर का एनुअल टर्नओवर है वो कम से कम 1 CR होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट इसके अंदर रहेगा वो ये है कि जो भी एंटिटी इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर रही है उसने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर कम से कम 1000 कैंडिडेट्स को एटलीस्ट ट्रेन किया हुआ हो, वही एंटिटी इसको अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि क्या ओडिशा स्टेट के अंदर हम लोग सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स दी हुई हैं जहां पर आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। देवगढ़ के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, डेकनाल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जाजपुर में, जारसुगुड़ा में, क्योंझर में, मयूरभंज में और सुंदरगढ़ में। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको बताई है, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट में कुछ मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स के बेस पर इसकी जो पैरामीटर है, जो इवेल्युएशन क्राइटेरिया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसके बेस पे मैं आपको बताती हूँ कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया हुआ है, एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर कैसे ये प्रोजेक्ट इवेलुएट कर सकता है कि क्या मेरी जो एलिजिबिलिटी है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैच हो रही है और मैं इस प्रोजेक्ट को लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर टोटल 100 मार्क्स की मैट्रिक्स दी हुई है, जो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की हुई है, 70 मार्क्स और 30 मार्क्स। 70 मार्क्स की इवेलुएशन आपका प्रोजेक्ट सिलेक्शन से पहले है, आपको 70 में से 28 मार्क्स चाहिए अपनी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करवाने के लिए। जो 30 मार्क्स हैं दोस्तों वो आपको उस टाइम चाहिए जब आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो चुका होगा और टेक्निकल प्रेजेंटेशन होगी, उस टाइम आपकी जो 30 मार्क्स हैं उसकी इवेल्युएशन उस टाइम पर की जाएगी। तो अब हम लोगों ने 70 में से सिर्फ और सिर्फ 28 मार्क्स लेने हैं, उसके बेस पे हम लोग इवेल्युएशन चेक करते हैं। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कुछ इवेल्युएशन हमारे सामने दी हुई है, अब वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। जो पहली इवेल्युएशन है वो 30 मार्क्स की है। 30 मार्क्स की इवेल्युएशन कैसे दी हुई है? जो ट्रेंड कैंडिडेट्स हैं वो लास्ट 5 ईयर के अंदर माइनिंग सेक्टर में अगर आपने 1000 और 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को मोबिलाइज किया है, ट्रेंड किया है, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे।
अगर आपने 500 से 1000 के बीच में कैंडिडेट्स को ट्रेन किया है तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही अगर आपने 100 से 500 के बीच में किया है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर जो बी पॉइंट है उसके अंदर प्लेसमेंट के बेस पे इवैल्यूएशन किया हुआ है, प्लेसमेंट के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। अगर आपने जो आपने 1000 कैंडिडेट ट्रेन किए हैं, अगर उसका आपने 70% प्लेस किया है तो आपको 5% मिलेंगे। सेम ऐसे ही आपको 4 मार्क्स मिलेंगे 50-69% अगर आपने प्लेसमेंट की है, और सेम ऐसे ही अगर आपने 40-49 प्लेस किए हैं कैंडिडेट तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद सी पॉइंट के अंदर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी एक सिंगल एंटिटी के अंदर कम से कम 20 कैंडिडेट्स को प्लेस किया है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर 15 से 19 के बीच में किया है तो 3 मिलेंगे, और अगर 10 से 14 के बीच में किया है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद डीप पॉइंट में दोस्तों ये बोल रहे हैं कि अगर आपने जो कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी है वो NSQF अलाइन कोर्सेज के अंदर दी है तो उसके बेसिस पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। जो इवैल्यूएशन इन्होंने कुछ इस प्रकार दी हुई है कि अगर आपने तीन से अधिक जॉब रोल जो आपके पास थे NSQF अलाइन से रिलेटेड कोर्सेज में ट्रेन किया है तो आपको 5 मिलेंगे, अगर 1 से 2 कोर्सेज उसके अंदर थे तो 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपका जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल बेसिस पे आपके मार्क्स इवेलुएट किए गए हैं। अगर आपका जो टर्नओवर है वो लास्ट 5 ईयर का 1 CR है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर 1 CR 2.99 CR है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही अगर आपका 5 CR और उसे ऊपर है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है मास्टर ट्रेनर कि आपके पास जो ट्रेनर्स हैं अगर वो TOT सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और उनके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर उनके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और वो ट्रेनर TOT सर्टिफाइड वैलिड ट्रेनर होने चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों इन्होंने अपनी ये जो मैट्रिक्स है, जो इवैल्यूएशन है वो की हुई है। टेक्निकल इवैल्यूएशन आपको आपके प्रोजेक्ट के सिलेक्ट होने के बाद फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आपको 70 में से आपके 28 मार्क्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इसी क्राइटेरिया को आपने फॉलो करना है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स की जानकारी के लिए स्किल इकोमार्ट के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।